नमस्कार दोस्तों, कांतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सब्जियों से बनने वाला, कच्ची सब्जी से बनने वाला मिक्स अचार बनाना बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, लाइक जरूर करें। इसमें हमें गाजर ली है, फूल गोभी ली है, मूली ली है, मटर ली है, मटर ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालो नहीं तो नहीं डालो। हरी मिर्च ली है, अदरक ली है। को जितने भी मैंने ये लिए हैं ना, गाजर मूली गोभी मटर एक साथ है ना, 5-7 मिनट के लिए स्टीम देना हमें। देखिए दोस्तों, मैंने ये कुकर रखा है, इसमें सबसे पहले मैं ये गाजर डाल देती हूँ, ये गोभी दे देती हूँ, इसमें हमें पानी नहीं देना बिल्कुल भी। मटर दे देती हूँ, ये मूली है, ये हरी मिर्च है, आप चाहो तो इसमें नींबू भी डाल सकते हो, और इसको हल्का सा भाप देना है। उसके बाद तेल गरम करके उसमें छौंक लगाना, जैसे हम आम का अचार बनाते हैं उसी तरह इसको बनाना है। तो मैं इसमें 2 चम्मच सौंफ ली है, आधी चम्मच मेथी दाना, 3-4 लौंग लिया है, इनको थोड़ा सा सेक लूंगी। सेक के लिए हमें दरदरा पीसना है, और मस्टर्ड सीड डालेगी, लाल मिर्च, हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक डाल के हमें मिक्स करना है। इनको सेक के हम पीस के डालेंगे ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ, ये हम 12 महीने भी रख सकते हैं इस अचार को बना के। इसमें आपके पास आंवले हो सीजन में तो आंवले भी डाल सकते हो। अब मैं जीरा, थोड़ी राई, थोड़ी कलौंजी, 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड डाली है, और जो मैंने आपको वो पीस के बताई, जो मैंने सेका था ना, मेथी दाना, सौंफ और लौंग, उनको इस तरह से पीस लिया है दरदरा, और मस्टर्ड सीड है। अब मैं इसके अंदर हींग डालूंगी, ये गरम हो गया हमारा तेल, तेज पत्ता डाल दिया, 2 लौंग डाल दी, और इसमें हींग अच्छे से डालना है अपने को। तेल गरम हो गया अपना, ये थोड़ी सी देखिए दाना मेथी है डाल रही हूँ, ये छौंक के अंदर सब चीज डालना है अपने को, ये थोड़ी सौंफ डाल रही हूँ, और अब मैं 1/2 चम्मच करीबन हींग डालूंगी इसमें। अब जो मैंने स्टीम दी थी ना, अब इसके अंदर हमारा स्टीम लग के 5 मिनट मैंने स्टीम दिया इसमें बस। अब ये तैयार हो गया, इसके अंदर हम ये सब सब्जियों को डाल देंगे। ये देखिए हमने ये स्टीम दी, स्टीम देके इस तरह से तैयार हो गया, ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया ना बस। अदरक का अदरक यहाँ कस से कस ली थी, ये पहले डाल देती हूँ। इसे हमें गैस, गर्म गैस पे ही, मतलब गैस पे ही डालना है, गैस चालू रहनी चाहिए, नहीं तो इसमें जो पानी रहता है ना थोड़ा। और जल जाएगा इसके अंदर जो सब्जियों का पानी होता है ना, ये सब देखिए हमारी चालू है। मैं इसके अंदर ये हल्दी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ये जो मैंने पीसा था सौंफ, मेथी दाना, लौंग, ये भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, और ये मस्टर्ड सीड्स है जो राई अपन बोलते हैं, इसको पीसा हुआ है, ये 2 चम्मच पूरी इसमें डालती हूँ। अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसके अंदर मैं मिर्ची डाल देती हूँ, जैसा आपको टेस्ट चाहिए वैसे डाल दीजिए, मैं 2 से 2.5 चम्मच मिर्ची डाली हूँ।
दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें स्वाद अनुसार हमें नमक देना है। ये मैंने सादा नमक दे दिया 1.5 चम्मच, करीबन करीबन आधा चम्मच ये काला नमक है ये मैंने दे दी। अब हमें इसे पूरा मिक्स करना है। इसमें मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा है तो मैं ऊपर से इसके अंदर तेल और डाल दूँगी। तेल अच्छे से डाल देंगे ना तब ये 12 महीना भी अचार ख़राब नहीं होता है। आप इसको आराम से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और इसमें आपकी इच्छा हो तो आप 1-2 नींबू छोटे छोटे पीस करके काट के डाल दीजिए। नींबू के छिलके होते हैं ना, उनको भी आप डाल सकते हो, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये हमारा अचार बन के तैयार हो गया है।